गर्मी से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय है घड़े का पानी पियो, और घड़े के पानी में नींबू और पुदीना डालकर के पीते हैं शिकंजी बना करके, तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है। पहले भी हमारे देश में गर्मी होती थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार 50 डिग्री और उससे ऊपर भी टेम्परेचर देश में गया है। राजस्थान और देश के कुछ भागों में, अभी तो हरिद्वार में भी काफ़ी अच्छा तापमान हो रहा है। तो नींबू पानी जो हमारे यहाँ सदियों से पिया जाता था, ये तो बीच में कोल्ड ड्रिंक कंपनियाँ ऐसी आ गई कि उन्होंने ठंडे का मतलब वो कार्बोनेटेड वाटर कर दिया। हमने नींबू पानी थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, और ये सेंधा नमक भी मैंने रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर सदियों से नींबू पानी, इसमें किसी को थोड़ा मिलाना हो तो नींबू पानी के अंदर ये पुदीना मिला सकते हैं, तो और ज़्यादा ठंडा और पेट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर इसी नींबू पानी के साथ देश के अधिकांश भागों के अंदर सत्तू पीने का रिवाज है, तो सत्तू ये भी पानी के अंदर ही डाल करके नींबू के साथ, इसमें कहीं हरी मिर्च और कहीं प्याज भी डालते हैं। प्याज जो है ये गर्मी के लिए अचूक औषधि है। राजस्थान में, क्योंकि मेरा जन्म तो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर हुआ है, माँ का शरीर राजस्थान से और पिता का शरीर हरियाणा से, इसलिए मैंने तो इन चीज़ों को बचपन से देखा है। अब ये गर्मी के लिए औषधि तैयार होगी, जौ का अथवा चने का सत्तू, जौ का सत्तू और अच्छा होता है। और इससे भी एक और बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, हमारे यहां पर घाट की राबड़ी खाया करते थे राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में खास करके, अब तो पूरे देश के लोगों को मैंने सिखा दी। ये जौ का दलिया हम बनाते हैं, जौ के दलिये को थोड़ा सा इसमें गेहूं का, चने का, बाजरे का, कोई भी थोड़ा आटा साथ में डाल दिया, इसमें थोड़ा एक चुटकी भर चावल और चने की दाल डाल सकते हैं। रात को ये दलिया पका दिया, पकाते समय उसमें थोड़ी छाछ डालते हैं। पकाने का तरीका माताएं अच्छे से जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हरियाणा में, राजस्थान में घाट की राबड़ी बोलते हैं। अब ये जो जौ का दलिया बनाया, इसको छाछ में मिला करके और फिर इसको पीते हैं, ये इतनी अच्छी चीज होती है कि एक ग्लास ये घाट की राबड़ी पी ली, और यदि कोई खाता है तो साथ में एक प्याज का सेवन कर लिया। प्याज कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए और ठंडक के लिए और ताकत के लिए भी अच्छी है ये प्याज। और जिनको नींद नहीं आती, ये खास बात मैं बताना चाहता हूं, जिनको नींद नहीं आती वो दोपहर को खाने के साथ प्याज जरूर खाएं। कच्ची प्याज पकी हुई प्याज से भी अच्छी होती है, यद्यपि वैष्णव परंपरा में, जैन परंपरा में, स्वामीनारायण में और हमारे गुरुकुलों में भी, और जो आश्रम है अधिकांश आश्रमों में और पतंजलि में भी प्याज हम लोग खाने के साथ नहीं खिलाते, लेकिन औषध के तौर पर हम भी प्रयोग करते हैं। तो ये प्याज राजस्थान में तो दो तीन प्याज जो है गर्मी के समय सभी लोग खा लेते हैं, और सुबह एक बार प्याज खा लो और ये राबड़ी पी लेते हैं सुबह सुबह, जो मैंने अभी बताई आपको, घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी। मैंने बचपन में पी थी, 18 साल तक मैंने बीच में अनाज बंद कर दिया तो बीच में नहीं पीता था। अभी मैं अधिकांश समय खाना खाता ही नहीं हूं। सुबह ये लौकी का जूस, लौकी का जूस, लौकी को हमने पूरे देश में प्रसिद्ध किया। अब लौकी का कुछ लोग सोचते हैं कि लौकी का जूस तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। लौकी के जूस में जब ये पुदीना डालते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, धनिया और पुदीना साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर है तो नमक डालने की जरूरत नहीं। मैं ये सुबह सुबह गिलोय का काढ़ा पीता हूँ ठंडा करके, और यह जो लौकी का जूस है, ये लौकी का जूस
अब आप देखिए इसका कलर भी देखिए, ये लौकी का जूस है और इसका एक गिलास मैं सुबह पी लेता हूँ ये, और ना मैं एसी का प्रयोग करता हूँ, यहाँ जहाँ तक पंखा भी है तो पंखा भी मैं 1-2 की स्पीड पर चलाता हूँ, ज़्यादा तेज पंखा चलाने से भी शरीर टूटता है और एसी का प्रयोग करने से तो शरीर बेकार हो जाता है, बिजली की सेविंग भी होगी और बिजली की कम खपत होगी तो कोयला कम जलेगा, तो इन्वायरमेंट के नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हमें एसी और तमाम तरह के जो भी कृत्रिम साधन हैं गर्मी से बचने के वो ठीक नहीं है, और ये लौकी का जूस तो इतना अच्छा है, और इतना स्वादिष्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि लौकी का जूस है ये तो स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन लौकी का जूस ये मैंने पूरे देश को रेसिपी बताई है और इसकी अब स्वादिष्ट रेसिपी भी मैंने बता दी है कि खाली लौकी का जूस नहीं, उसमें थोड़ा आप तुलसी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं और साथ में एक नींबू डाल लें। मैं नींबू डाल करके ही पीता हूँ, अब तो ये बना हुआ रख दिया था इन्होंने इसलिए, लेकिन ये ज़बरदस्त है लौकी का जूस, कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, हाइपरटेंशन को तो क्योर कर देता है, फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और अल्सर के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, पिंपल्स के लिए औषधि है लौकी का जूस। इसलिए लौकी का जूस ये रामबाण औषधि है। और ये जो बेल है, बेल जो है हमारे यहाँ पर सदियों से गर्मी के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेल पेट के लिए, कोलाइटिस के लिए, इंडाइजेशन के लिए, ये औषधि है और गर्मी से बचने का तो ये अचूक उपाय है ही है। तो बेल का शरबत हमारे यहाँ पर सदियों से पिया जाता है और ये औषधि है पेट के लिए। हम कोलाइटिस में बेल का शरबत पिलाते हैं और साथ में ही छाछ, वैसे आजकल शहरों के लोगों ने तो छाछ बनानी भी बंद कर दी तो हमने पतंजलि छाछ भी लॉन्च करनी पड़ी, पतंजलि का दही भी लॉन्च करना पड़ा, गाय का दही और गाय की छाछ, खैर ये बेल। हाँ घर में बनाए हैं शरबत, जो बाजारों में अक्सर लोग बनाते हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और उसमें मक्खियां जहां बैठती है तो एक बार में मक्खी सैकड़ों अंडे दे देती है और उससे फिर कई प्रकार के बीमारियां, खास करके फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और बहुत तरह के चांसेस होते हैं। तो घर में बना करके पिया आप ये बेल का शरबत, नींबू पानी, ये जलजीरा, हमने पतंजलि में भी जलजीरा बनाया, ये जलजीरा, ये हमारी प्राचीन चीज़ें थी गर्मी से बचने के लिए। और गर्मी से बचने के लिए ये जो आम होता है, कच्चे आम को इसका आम का पना बना करके पीते हैं, हमने पतंजलि में जहाँ गुलाब का शरबत और ये ब्राह्मी शरबत, शंखपुष्पी, खस का शरबत बनाया है, वहीं पर हमने ये मैंगो पना भी बना रखा है। घर में पहले माताएं जानती थी आम को उबाल करके और फिर बस इसमें थोड़ा शक्कर या खांड डाल करके, थोड़ा जीरा डाल करके और ये मैंगो का पना बनाती थी पहले घर में ही। अब सब इतने ज़्यादा कंफर्ट लेवल में आ गए हैं कि किसी को घर में कुछ बनाना ही नहीं तो फिर हमको बना करके भी देना पड़ता है। खैर मैं आपको इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ कि प्राचीन चीज़ों को हम भूल गए। सबसे अच्छा है गर्मी के लिए ये तरबूज, ये जो इसको वाटरमेलन बोलते हैं, ये गर्मी के लिए रामबाण है और खास करके जिनको कब्ज रहता है, जिनको एसिडिटी रहती है, निकला भी बहुत अच्छा है क्योंकि पतंजलि के ऑर्गेनिक फार्म से ये हमने मंगाया है। मैंने आजकल बाजार की साग सब्जियां फल खाने बंद कर दिए
और कारण ये कि उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड आदि यूज होता है, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिनको मोटापा है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, उसके लिए एक और भी उपाय बताऊंगा। मैक्सिमम लोगों को तरबूजे का जूस अनुकूल नहीं पड़ता, अनार का जूस अनुकूल नहीं पड़ता। अनार का जूस पीने से बहुतों को एसिडिटी हो जाती है, और अनार पेट के लिए और खास करके इंडाइजेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए, किसी भी प्रकार का बार बार जिनको पेट में इन्फेक्शन होता है उनके लिए औषधि है। लेकिन अनार का जूस पीने से मुझे भी एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं कभी अनार का जूस पीता ही नहीं हूं, एक घूंट भी नहीं पीता हूं। मैं ये तरबूज, वाटरमेलन को भी कभी जूस में नहीं पीता हूं, क्योंकि जूस पीने के बाद जिम ही चलाता है। लेकिन इसको ऐसे खाओ, यदि किसी को थोड़ा जो है गैस बनती है तो थोड़ा सेंधा नमक के साथ खा लो। नमक भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दिन भर में 2 ग्राम से ज्यादा नमक शरीर में नहीं जाना चाहिए। इसलिए नेचुरोपैथी में वाइट शुगर, चीनी, वाइट सॉल्ट और वाइट आटा, जिसको हम मैदा कहते हैं, इसको हम जहर मानते हैं, मोटापा के रोगियों के लिए रामबाण है। अभी हरिद्वार में मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, इन बीमारियों से मुक्त मेरा अभी कैंपेन है। मैंने अभी तय किया है, आज 4 जून हमारे आंदोलन का दिन है। आज ही के दिन रामलीला मैदान में पाप किया था एक सरकार ने, उसके बाद वो सफाई हो गई। जिन लोगों ने सोच रखा था कि इस देश के ऊपर राज करना, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये देश हमारी बपोती है, जागीर है, उनको हमने उखाड़ा। जातिवाद, वंशवाद और मजहबी उन्माद की जड़ें हमने उखाड़ी। 4 जून के दिन, आज के ही दिन आंदोलन हुआ था, 2013 की बात है, और उसके पहले पूरे देश में आंदोलन चला, फिर एक नई सरकार बनी। अब मैंने संकल्प लिया है, वैसे तो मैं पिछले 30 वर्षों से योग का आंदोलन चला रहा हूं, लेकिन अब एक दिन भी स्वामी रामदेव विश्राम नहीं करेगा। या तो मेरे शिविर होंगे हरिद्वार में रेसिडेंशियल, फिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के प्रत्येक जिले में जा रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक दिन भी बिना विश्राम के 365 दिन इस योग की अलख जगाने वाला हूं।